हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट से बनने वाली है लीची आइसक्रीम, जिसे बनाना है बेहद आसान और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट में बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो लीची आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ये अप्रॉक्स 20 से 21 लीची ली है। इस लीची को मैंने इस तरीके से छिल लिया है, तो बस इस तरीके से हमें अपनी सारी लीची को छिल लेना है। तो बस इन लीचियों को छीलने के बाद अब मैंने इस लीची के बीज को अंदर से निकाल दिया है। उसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। और अब मैंने इन सभी लीची को जो है ग्राइंड कर लिया है मिक्सी जार में। तो इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो बस सारे लीची के टुकड़ों को डाल देंगे मिक्सी जार में और बस ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो लीची का ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद मैंने एक बाउल में व्हिपिंग क्रीम ली है, जिसके लिए मैंने 1 कप भी व्हिपिंग क्रीम ली है। इसमें बिल्कुल ठंडी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है। इस व्हिपिंग क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है अच्छे से। तो बस इस तरीके से हमें जो है अच्छे से व्हिप कर लेना है इसे, जब तक इसमें स्टेप फिक्स ना आ जाए। तो बस 4 से 5 मिनट बाद जो है इस तरीके से जब ये हमारी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाए, अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मिठास के लिए कंडेंस मिल्क। तो ये अप्रोक्स मैंने जो है इसमें ऐड किया है कंडेंस मिल्क 1/2 कप। आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से सारे कंडेंस मिल्क हमें डाल देना है इसमें। और अब मैंने जो अभी ग्राइंड किया था लीची, उस लीची को भी हमें इसमें डाल देना है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से एक बार फिर से इन्हें अच्छे से बीट किया है, मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसे ट्रांसफर किया है मोल्ड में। तो सबसे पहले मैंने जो है आइसक्रीम को डेकोरेट करने के लिए थोड़े से व्हिपिंग क्रीम में रेड फूड कलर डाला था। इस रेड फूड कलर वाली व्हिपिंग क्रीम को मैं सबसे पहले मोल्ड में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालूंगी, जिससे हमारी आइसक्रीम बाद में जब मोल्ड से निकलेगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी दिखने में। तो इस तरीके से मैंने डेकोरेशन के तौर पर जो है व्हिपिंग क्रीम डाल दी है इसमें इस तरीके से। और अब मैंने जो सारा मिक्सचर है आइसक्रीम का, उस सारे मिक्सचर को इस तरीके से पूरे मोल्ड में ट्रांसफर कर दिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा और रेड फूड कलर वाली व्हिपिंग क्रीम को, व्हिप्ड क्रीम को इस तरीके से इसके ऊपर जो है डेकोरेशन के लिए थोड़े थोड़े इस तरीके से स्पून से लेके पोर्शन में डाल दिया है। बस इसे डालने के बाद अब मैंने इसे इस तरीके से पैटर्न बना दिया है। आप कैसे भी पैटर्न बना सकते हैं। बस इस तरीके से पैटर्न बनाने के बाद अब मैंने जो है इसे कवर कर दिया है। तो बस अब मैंने जो है इसके ढक्कन से इसे कवर करके अच्छे से इसे फ्रीजर में रख दिया है रात भर सेट होने के लिए। आप 7 से 8 घंटे से फ्रीजर में रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगी आइसक्रीम। तो बस फ्रीजर में रखने के बाद मैंने 7 से 8 घंटे बाद इसे फ्रीजर से निकाला है। फ्रीजर से निकालने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हमें मोल्ड से निकालना है। तो बस अब इसे मोल्ड से निकालेंगे। एक प्लेट ली है मैंने, इस प्लेट में इसे इस तरीके से पलट दिया है। तो बस पलटने के बाद इसे निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली निकल जाती है मोल्ड से। तो बस ये बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। अब इसे पीसेस में कट करेंगे और करेंगे सर्व। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है ये लीची आइसक्रीम। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनके रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज्यादा क्रीमी है ये लीची आइसक्रीम। तो अगर आपको ये सिंपल सी 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली लीची आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आए तो एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी रेसिपीज को प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें।